तो सलाम सत श्री अकाल आदाब कैसन बानी जा रहा लोगे। दरअसल जब बात करो बनी फिर से रितेश पांडे के फिल्म्स बेगुनाह के बारे में। हाँ, बेगुनाह नाम के फिल्म्स रितेश पांडे शूटिंग चालू कर दिल बड़न। एक बारे में हम लोगों के अपडेट्स बताई बहुत ही खास खास वाला। तो बस वो काम करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई, बाकी संगी मित्र संग भी शेयर कल कर। चलिए हमने वीडियो को चालू कर दिया जा जौना फिल्म्स के नाम बा बेगुनाह। दरअसल बेगुनाह नाम के भोजपुरी में एगो फिल्म्स बनतिया जौना में रितेश पांडे एक्ट करत नजर आवे बड़। दरअसल फिल्म्स के अगर देखल जाओ तो ये फिल्म्स सच में कमाल के नजर आवे बिया। काहे कि ये फिल्म्स में एक बार फिर से धीरू यादव ही डायरेक्टर बड़। काहे कि धीरू यादव अगर देखल जाओ तो भोजपुरी सिनेमा के एगो ओइसन डायरेक्टर में इनकर नाम अब शुमार होकर चालू हो गल बा कि फिल्म्स के सस्ता सुविधा और कमाल्स के बनावे में इनकर बहुत बड़ा योगदान रहता। और खासकर रितेश पांडे के देखल जाओ तो रितेश पांडे भी आजकल दिन पर दिन जे तरह एक्टिंग के ऊपर अपना ऊपर मतलब ट्रस्ट करते रहन और एक्टिंग में दिन पर दिन जौन ग्रो करते रहन आवे वाली उनकर फिल्म्स एकदम से अब ब्लॉकबस्टर हो सकती है। का ये बेगुनाह वाली फिल्म से आप पर गुनाह का मतलब जौन भी उनका ऊपर गुनाह लगता है कि एक्टिंग करे ना आवेला ई होला ऊ होला का वो साबित कर पाई हन ई देखल अभी बाकी बाट। तो फाइनली ए फिल्म्स के देखल जाओ तो मुहूर्त के साथ ही शूटिंग चालू कर दिया गोल बिया। ए फिल्म्स के निर्माता बानी चेतन झब्बू और निशा चितेश्वर और ए फिल्म्स के डायरेक्टर बानी धीरू यादव और ये फिल्म्स में स्टार कास्ट में देखे के मिलियन रो लोग इनके रितेश पांडे, चांदनी सिंह, प्रियंका रेवड़ी, संजय पांडे, महेश आचार्य जैसन दिग्गज कलाकार नजर आया। तो बाकी इतना ही जानकारी फिल्म्स बेगुनाह से। आगे कौनो भी गुनाह होई हम रहूँ वाले उनके जरूर बताएं। बस देखते रहें न्यूज़ तक भोजपुरी, बाकी हम जीत।